नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज बाइस्कोप में। मैं हूँ आसिया। लोकसभा चुनाव को लेकर अब प्रचार अपने चरम पर है और जो कैंडिडेट अपनी अपनी सीटों पर अब चुनाव प्रचार अभियान भी शुरू कर चुके हैं, जिनकी घोषणा हो गई है और जो अभी उम्मीद में है कि उन्हें टिकट मिलेगा, वो भी अपने तरीके से चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। झारखंड की एक सीट है सिंहभूम, जिस पर सबकी नजरें इसलिए टिकी हुई हैं क्योंकि यहाँ से जब कांग्रेस की गीता कुड़ा ने जीत हासिल की थी और अब कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी का दामन उन्होंने थामा है और बीजेपी की सिंहभूम से प्रत्याशी हैं। इन सब के बीच जब वो चुनाव प्रचार के पहुंचती हैं तो वहां पर उनका विरोध होता है और विरोध हिंसात्मक हो जाता है, जिसमें गीता कोड़ा को भी चोटें आई हैं, कई कार्यकर्ता चोटिल भी हैं। हालांकि इस मामले की शिकायत चुनाव आयोग में की गई और इस पर चुनाव आयोग ने संज्ञान भी लिया है और अब देखना है कि ये जो हमला है वो किस तरह चुनावी राजनीति में असर करता है और क्या ये चुनावी राजनीति से प्रेरित ये हमला है। हमारे सहयोगी भी जुड़ेंगे और उनसे इस मामले पर अपडेट लेंगे, लेकिन तब तक हमारे साथ वरिष्ठ सहयोगी उदय भी जुड़े हुए हैं। उदय, सिंहभूम का जो इलाका है, ऐसे ही कई बार ये कहा जाता है कि जो उसके ग्रामीण इलाके हैं, जो सुदूरवर्ती इलाके हैं, वहाँ पर बाहरी लोग प्रवेश करने से भी थोड़ा कतराते हैं, लेकिन यहाँ की वो सांसद रह चुकी हैं और इस तरह विरोध की वो हिंसात्मक हो जाए, ये थोड़ा आश्चर्य लगता है क्योंकि इससे पहले झारखंड के इतिहास में चुनाव में इस तरह के हिंसा नहीं हुई थी। देखिए, इस तरह की घटना नहीं हुई थी, लेकिन कोल्हान और चाईवासा के इस प्रॉपर इलाके की बात की जाए तो वहाँ का एक बड़ा ही दिलचस्प रोचक इतिहास है। और सबसे बड़ी बात यह है कि 1980-81 में ये लोग संयुक्त राष्ट्र संघ चले गए थे, वहाँ के दो चार लोग, और उन्होंने ये तर्क दिया था कि कोल्हान को अलग देश का दर्जा दे दिया जाए। और इसके साथ साथ ये मामला काफी आगे बढ़ गया था। बताया जाता है कि 1981 में कोल्हान रक्षा संघ के नारायण जोंको, आनंद टोपनो और अश्विनी सवैया इस मामले को लेकर लंदन और जिनेवा गए थे और वहां उनका ये तर्क था कि कोल्हान स्टेट का विलय, जब 562 देसी राज्यों का विलय भारतीय रियासत में हुआ था, उस वक्त नहीं हुआ था। उसके पीछे तर्क यह दिया गया था कि विल्किंसन रूल का हवाला दिया गया था, क्योंकि जो अंग्रेज विल्किंसन थे उन्होंने वहां के मुंडाओं को स्थानीय स्वशासन का अधिकार दिया था और जब देश आजाद था तब वहां जो वहां के मुंडा मानकी थे वही वहां पे सिविल मामलों का निष्पादन भी करते थे या फिर आपस की अदालत वही लगाते थे। तो कहीं ना कहीं उन्हें ये राइट था वहां पे। और जब भारत आजाद हुआ, रियासतों का विलय हुआ, तो कोई वैध दस्तावेज भारत सरकार के पास इस तरह का नहीं था, क्योंकि कोई चाईवासा के जो स्थानीय राजा थे उनके हाथ में पावर नहीं थी और मुंडाओं और मानकियों के हाथों में पावर थी। विल्किंसन, अंग्रेज सर विल्किंसन ने उन्हें यह पावर दिया था और यही वजह रही कि 1980-81 में रामो बिरवा ने खुद को वहां का राष्ट्रपति तक घोषित कर दिया था। हालांकि बाद में पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया, लेकिन देखिए वहां के स्थानीय जो लोग हैं वो मानते हैं कि ग्राम सभा यानी स्थानीय स्वशासन, वहां उनका रूल चलता है। उनका कहना था कि गीता कोड़ा चूंकि अब बीजेपी में जा चुकी है तो बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता उनकी बिना इजाजत वहां कैसे घुस गए। और कहीं ना कहीं एक बार फिर उस मुद्दे को तूल देने की, हवा देने की कोशिश की गई है। तो इस तरह से देखा जाए तो वो जो चाईवासा, गम्हरिया, कोल्हान का इलाका है वो काफी इस तरह का इलाका माना जाता है, क्योंकि अभी हाल ही की बात है, 2017 में एक बार फिर से ये मांग उठी थी। उस पर से लोग जानकर, हमारे दर्शक जानकर हैरान होंगे कि वहां एक बार वैकेंसी निकालने की घोषणा कर दी गई थी और कहा यह गया था कि 30,000 की मिलिट्री होगी, 30,000 युवकों को बहाल किया जाएगा और लाखों की संख्या में लोग वहां इंटरव्यू देने या लिखित परीक्षा में शामिल होने के लिए पहुंच गए थे। तो ये तमाम चीजें हो चुकी हैं। तो वहां के जो स्थानीय आदिवासी हैं, मुंडा मानकी हैं, उन्हें लगता है कि कोल्हान इलाके में राजा वो है, सत्ता उनके हाथ में है, स्थानीय स्वशासन उनके हाथ में है। तो इसी बात का तर्क दिया जा रहा है कि गीता कोड़ा को जब रोका गया तो उनका कहना था कि हमसे बिना परमिशन वो यहां अंदर कैसे आई। लेकिन अब गीता कोड़ा इस मसले पर कह रही है कि जेएमएम के इशारे पे किया गया है, जेएमएम की तरफ से भड़काया गया है। तो अब देखने वाली बात यह होगी कि जब जांच होगी तो क्या कुछ निकल कर आता है। इससे पहले उदय, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है, जब आपने बताया कि किस तरह इसे अलग देश की मान्यता की बात कही गई थी, यू नो मिले, ये जो धरती है चाईबासा की धरती जो सिंहभूम क्षेत्र में आता है, सिंहभूम लोकसभा सीट में, इसे कहा जाता है कि ये दुनिया की पहली धरती है। भूगर्भ शास्त्री है नीतीश प्रियदर्शी, उन्होंने भी ये दावा किया है कि जब यहाँ की जमीन की जाँच की गई तो दुनिया जब बनी तो सबसे पहली धरती चाईबासा की मानी जाती है, जो समुद्र से बाहर निकली थी। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है। हम मुद्दे पर आते हैं और हमारे साथ जुड़ चुके हैं वीरेंद्र महली, हमारे सहयोगी सरायकेला से। वीरेंद्र, गीता कोड़ा पर जिस तरह चुनाव प्रचार के दौरान हमला हुआ है और गांव में प्रवेश करने के लिए उन्हें अनुमति मांगने को कहा गया कि आपने बिना अनुमति कैसे गांव में प्रवेश कर रही है,
इसके बाद अब वहां पर क्या अपडेट है, पुलिस प्रशासन किस तरह चौकस है, हालांकि इस मामले में चुनाव आयोग ने भी संज्ञान लिया है, क्या वहां से अपडेट है? देखिए, जो गीता कोड़ा है एक मजबूत प्रत्याशी है, इनकी जो है कि छवि बहुत अच्छी है और ये जो है कि इससे पूर्व जो है ये कांग्रेस से प्रत्याशी हुआ करते थे, जिसको लेकर जो है कि यहाँ के जो कार्यकर्ता थे, जो इंडिया गठबंधन के जो कार्यकर्ता है, ये पहले उनको पसंद करते थे, अचानक जो है कि ये दल बदल के बीजेपी में आ गए, जिसको लेकर भी थोड़ी सी लोगों पे नाराजगी थी और जिसको लेकर ये मामला जो है आगे बढ़ा है। और सबसे बड़ी बात अगर देखा जाए तो ये बीजेपी के जो पूर्व से जो यहाँ पे कार्यकर्ता लोग हैं उनसे लंबे समय से नाराजगी लोगों का चल ही रहा था और आज अचानक जो कि इस पर जनसंपर्क यात्रा जब चला रही थी गीता कोड़ा जी, तो अचानक वहां पे जो है कि कार्यकर्ता आ जाते हैं और जो है कि इस पर जो है कि हमला कर देते हैं। लेकिन जिस हमला को लेकर अभी फिलहाल जो है कि गमहरिया थाना में गीता कोड़ा, वीरेंद्र अगर आप सुन पा रहे हैं, क्या पहले कभी गीता कोड़ा ने इस इलाके का दौरा किया है? जब वो सांसद रही कांग्रेस की तरफ से, तो क्या इस इलाके में वो कभी आई या पहली बार वो इस इलाके में गई और उन्हें विरोध का सामना करना पड़ा है? जी, देखिए, ये गीता कोड़ा जी इससे पूर्व भी जी इस क्षेत्र के दौरा ये करती रहती है बीच में, क्योंकि इससे पहले हम आपको बता रहे हैं कि जिससे पहले ये कांग्रेस में थी, लगातार इस क्षेत्र में भी बीच बीच में जो है कि दौरा भी करती थी और आज भी उसी को लेकर ये दौरा भी थी। लेकिन बात यही था कि इससे पहले जब वो दौरा कर रही थी, ये कांग्रेस से दौरा करती थी और ये जो है कि अब पार्टी बदलने के बाद बीजेपी हुई है, तो बीजेपी से ये दौरा था जिसको लेकर थोड़ा सा नाराजगी था वहां के क्षेत्र के लोगों के ऊपर, जिसको लेकर ये जो है कि मामला तूल पकड़ लिया और इस तरह का घटना हुई। जी, तो फिलहाल अभी स्थिति वहां पर सामान्य है और किसी तरह की अब कोई गिरफ्तारी की खबर या पुलिस की तरफ से कोई एक्शन की खबर अभी जो है कि किसी की गिरफ्तारी तो नहीं हुई, लेकिन सबका मामला दर्ज हुई है और अभी जो है कि गीता कोड़ा ने जो है कि आदित्यपुर पहुंचकर अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, जिसको लेकर आगे क्या रणनीति करेंगी ये अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ही जो कि पता चलेगा कि गीता कोड़ा इसके आगे क्या करेंगे। जी, चलिए, शुक्रिया वीरेंद्र, आप नजर बनाए रखिए, आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो फिलहाल इसे लेकर अब सियासत गर्म है, बीजेपी भी हमलावर है जेएमएम पर और ये कहा जा रहा है कि सीधे सीएम चंपई सोरेन निशाने पर हैं बीजेपी के, विपक्ष के, और उनका कहना है कि उनके इशारे पर ही यह सब हुआ। गीता कोड़ा ने भी खुद अपना बयान जारी कर कहा कि उनके इशारे पर ही यह सब किया गया है। हालांकि यहां का नाराजगी ये थी कि गीता कोड़ा ने अपनी पार्टी क्यों छोड़ी और बीजेपी में क्यों गई। उदय भी हमारे साथ जुड़े में, उदय, राजनीति से कितना प्रेरित इसे मानते हैं या फिर कार्यकर्ताओं की यह संवेदना थी कि वो नहीं चाहते थे कि गीता कोड़ा दूसरे खेमे में जाएं और वो नाराजगी सामने आई, या फिर ये चुनाव के दौरान उकसाने की एक साजिश हो सकती है? देखिए, जैसा कि हमारे रिपोर्टर बता रहे हैं कि गीता कोड़ा उन इलाकों में जाती रही है और गीता कोड़ा सबसे बड़ी बात ये है कि वो कोई बाहरी नहीं है, वहां लकड़ा कोल कहा जाता है इन्हें, जो हो समुदाय के लोग, हमारे यही हो समुदाय के लोग उस वक्त रामू बिरवा और ऐसे लोग जो यूएनओ में अलग कोल्हान देश की मांग कर रहे थे, तो हो समुदाय उनके साथ था और गीता कोड़ा चूंकि मधु कोड़ा की पत्नी है, मधु कोड़ा भी हो समुदाय से आते हैं और गीता कोड़ा उनकी पत्नी है तो वो भी हो समुदाय से आती है। लेकिन इसके बावजूद ये सवाल उठना कि गीता कोड़ा वहां क्यों गई और कैसे गई, ये अपने आप में बड़ा सवाल है, क्योंकि देखिए अब कहीं ना कहीं इस पे राजनीति तो होगी ही, क्योंकि गीता कोड़ा कोई पहली बार नहीं गई और गीता कोड़ा गई और उन्हें अगर बंधक बनाया गया तो जाहिर सी बात है उनका आरोप लगाना भी सही है कि ये जेएमएम के इशारे पर हुआ है। अब जांच के बाद पता चलेगा, लेकिन ऐसा लगता है कि स्थानीय लोगों की नाराजगी इस बात को लेकर थी कि उन्होंने अपना दल बदल लिया है, वो पहले कांग्रेस में थी अब बीजेपी में चली गई है, तो इस बात को लेकर नाराजगी थी, क्योंकि गीता कोड़ा कोई नई नहीं है, वो खुद हो समुदाय से, लकड़ा कोल समुदाय से आती है जो वहां बहुतायत में है, तो अगर उनके विरोधी थे तो समर्थक भी थे और यही हुआ भी, मधु कोड़ा जब अपने लोगों को साथ लेकर पहुंचे तभी मामला ठंडा हुआ। चलिए, तो अब इस तरह की राजनीति चुनाव के दौरान मिलती रहेगी देखने को, लेकिन ये बड़ी बात है क्योंकि झारखंड में अमूमन ऐसा नहीं होता था, पहले भी कभी चुनाव प्रचार के दौरान इस तरह की हिंसा की खबरें कहीं से नहीं आई थी और जब चाईबासा से सरायकेला से ये खबर सामने आई है तो जाहिर तौर पर इस पर सवाल उठने भी लाजमी है और विपक्ष को एक और मुद्दा मिल गया है और विपक्ष इसे लेकर अब सरकार को घेरता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 22 को।